हाय एवरीबॉडी, सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेनबो पार्ट टू के प्रोस सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आई हैव अ ड्रीम पढ़ने जा रहे हैं। यह एक स्पीच है जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। मार्टिन लूथर किंग के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग और प्रशिक्षण से एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट का मतलब होता है, यह वर्ड जो है बैप्टाइज से है। बैप्टाइज का मतलब होता है टू मेक क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बनाना। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सब डिनोमिनेशन होते हैं और बैप्टाइज करने के लिए फादर वाटर का स्प्रिंकल करता है और उसके बाद कोई भी व्यक्ति बैप्टाइज हो जाता है। तो वह बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। और अपने कैरियर के शुरुआती दौर में वे नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता बने। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट, और उन्होंने नेतृत्व किया है मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार का, बायकॉट का। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को स्थापित करने में सहायता किया है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड है फाउंड, नहीं दो वर्ड आपको बता रहे हैं। एक वर्ड है फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, इसका वर्ड टू बनता है फाउंड, फाउंड। ठीक है, जबकि फाउंड एक अलग वर्ब भी है जिसका मतलब स्थापित करना, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है, तो यहां पर स्थापित करने के लिए है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी के द्वारा प्रभावित होकर हिज फिलॉसफी फॉर नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस brought him worldwide attention. Non-violent resistance means अहिंसात्मक प्रतिरोध या रोकने के उनके सिद्धांत ने उन्हें worldwide attention में ला दिया, पूरी दुनिया के ध्यान में ला दिया। In 1964, 1964 में King became the youngest person, Martin Luther King सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने to receive the Nobel Prize, Nobel Prize प्राप्त करने वाले for his efforts, अपने प्रयास के लिए to end segregation, segregation का मतलब होता है रंगभेद। ठीक है, segregation का मतलब होता है the act of isolating, नहीं यहाँ रंगभेद, and racial discrimination, जातिगत अंतर। इसके माध्यम से तो through civil disobedience, सामान्य अवज्ञा के कारण, and other non-violent ways, और दूसरे अहिंसात्मक तरीकों से। तो नोबेल प्राइज इन्हें 1964 में मिला है, याद रखिएगा कि ये 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। नहीं, यह नोबेल प्राइज इन्हें मिला है उनके इफॉर्ट में, जिसमें इन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस और अदर दूसरे नॉन वायलेंट वेज से नहीं सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया था। किंग was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee. नहीं, Martin Luther King को assassinated का मतलब क्या होता है? हत्या कर देना। नहीं, to murder a political leader, किसी भी राजनीतिक नेता की हत्या कर देने को assassinate कहते हैं। तो यहाँ Martin Luther King की हत्या कर दी गई Tennessee के Memphis में 4 अप्रैल 1968 को। किंग्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और किंग्स की जो महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल हैं, नहीं ये याद रखिएगा कौन कौन सी रचनाएं हैं। फर्स्ट है ए स्ट्रेंथ टू लव, 1953 में लिखी थी इन्होंने। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी 1958 में लिखी गई थी। वाई वी कांट वेट 1964 में, एंड वेयर डू गो फ्रॉम हियर चॉइस आवर कम्युनिटी 1968 में लिखी गई थी। और आज जो हम लोग
स्पीच पर रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम, ध्यान रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, ही डिलीवर उन्होंने दिया था ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल में इन्होंने यह स्पीच दिया था, नहीं आई हैव अ ड्रीम के नाम से। और यह स्पीच हम लोगों को पढ़ना है कि इन्होंने कौन से ड्रीम देखे थे, किस प्रकार के ड्रीम देखे थे अपनी नी स्पीच में। He speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. और यहाँ वे किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो अलबामा को नहीं देखने के लिए एक अपने ड्रीम के बारे में, और वह अलबामा किस तरह के, तो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में, विकसित राज्य के रूप में, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, और गोरे और कालों के बीच में जो जातीय या रंग भेद के अंतर है, ने उससे स्वतंत्र होकर के उसे नहीं फ्री एक स्टेट, एक विकसित राज्य के रूप में वे अलबामा को देखने नहीं देखने का ड्रीम रखते हैं, और उस ड्रीम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, नहीं, और यह भाषण हैड अ ह्यूज इंपैक्ट, बहुत ही गहरा, बहुत ज्यादा प्रभाव था, नहीं, इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए लोगों की चेतना को रेज करने के लिए बढ़ाने में एक इनका स्पीच बहुत ज्यादा नहीं इम्पैक्ट दिया था। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग, और मार्टिन लूथर किंग को स्थापित करने में एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में मार्टिन लूथर किंग को स्थापित करने में, और सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए लोगों की जो कंसियसनेस है, जो चेतना है, उसको रेज करने में यह स्पीच बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था। नहीं, यहाँ पर एक वर्ड आपको और बता देता हूं मैं, यह है RAISE रेज, और एक वर्ड होता है RISE राइज। ठीक है, यह राइज और रेज, यह राइज का मतलब है स्वतः अगर किसी ने वृद्धि हो जाना, और रेज का मतलब किसी के द्वारा बढ़ाना, नहीं, जैसे पानी का सतह बढ़ गया तो वहां पर राइज का ही वर्ब चलेगा, राइज, रोज, राइजन। ठीक है, और अगर आपने आवाज उठाया है तो यह रेस्ट, रेस्ट इस तरह से, नहीं, मैंने इसके विरुद्ध आवाज उठाया, आई रेस्ट माई वॉइस अगेंस्ट इट, नहीं, और पानी का सतह बढ़ गया है, द वाटर लेवल नहीं वॉज राइजन, तो इस तरह से आप यहां पर राइज और रेज का यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं जो चैप्टर आप पढ़ना है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम में फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, 5 score years ago, 5 score years ago, 1 score इज इक्वल टू होता है 20 units, ध्यान रखिएगा, अर्थात 5 scores इज इक्वल टू कितना हुआ, 100, नहीं, तो यह कह रहा है 5 score years ago means 100 साल पहले, a great American, एक महान अमेरिकन, in whose symbolic shadow, जिनके शांतिक सांकेतिक छाया में we stand, हम लोग खड़े हैं, signed the Emancipation Proclamation, क्या साइन किया गया, Emancipation Proclamation, एक promissory note था, एक नहीं आदेश पत्र था जिसे शामिल किया गया, नहीं, Emancipation Proclamation या आजादी की घोषणा, ठीक है, आजादी की घोषणा। तो यह यहां पर पैराग्राफ फर्स्ट में स्टार्ट हो रहा है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकन जिनके सांकेतिक छाया में हम लोग खड़े हैं, नहीं, उन्होंने आजादी की घोषणा Emancipation Proclamation साइन किया था। This momentous decree, यह momentous decree का मतलब है very important, नहीं, जो आदेश है, नहीं, very important जो announcement है, ठीक है, very important announcement,
केम आया एज अ ग्रेट बीकन, एक बड़े आकाशदीप के रूप में। किस चीज की आकाशदीप? यहां पर आप देखो लाइट ऑफ होप नहीं टू मिलियंस ऑफ नेग्रोस स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदिंग इनजस्टिस नहीं। और यहां ऊपर से ले लेते हैं अर्थ, यह दिस मोमेंटस डिक्री, यह महत्वपूर्ण उद्घोषणा किस चीज के रूप में आया? द ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, आशा के एक नहीं आशा के नहीं एक प्रकाश द्वीप के रूप में नहीं लाखों नेग्रो गुलामों नहीं के जीवन में लाखों नेग्रो गुलामों में के साथ हु हैड बीन शेयर्ड जो जल रहे थे नहीं जो जलाए गए थे शेयर्ड शेयर्ड का मतलब बर्न्ड नहीं जो जलाए गए थे इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस उन विदरिंग का मतलब मुरझाया हुआ या विध्वंसकारी ठीक है तो जो मुरझाए हुए इनजस्टिस अन्याय के चिंगारी में जले हुए थे ठीक है इट केम एज अ जॉयस डेब्रेक नहीं और यह आया एक उल्लासपूर्ण सवेरा के रूप में टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी जो कैप्टिविटी का मतलब कैद होता है कैद के लंबे रात को समाप्त करने के लिए एक जॉयस डे ब्रेक के रूप में आया सेकेंड पैराग्राफ बट 100 इयर्स लेटर लेकिन 100 सालों के बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट और हम लोगों को अवश्य उस दुखांत सच्चाई का सामना करना चाहिए दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री नहीं के नेग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है 100 years later, 100 साल के बाद, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. और 100 साल के बाद, the life of Negroes, Negro का जीवन still अभी भी sadly crippled, नहीं, उदासी रूप से, बुरी तरह से crippled का मतलब अपाहिज हो गया है by the manacles of segregation किसके जंजीर में तो रंग भेद के जंजीर में and chains of discrimination और नहीं जातिगत अंतर के बंधन में 100 years later 100 साल के बाद the negro lives on a lonely island of poverty और 100 साल के बाद भी negro निर्धनता के सुनसान प्रायद्वीप पर रहते हैं इन द मिस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी किसके मध्य में इन द मिस्ट ऑफ नहीं जहां पर भौतिक समृद्धता के एक विशाल महासागर के बीच में निर्धनता के नहीं सुनसान द्वीप पर रहते हैं 100 years later 100 साल के बाद द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग नहीं इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी और नेग्रो अभी भी क्या हो रहा है लैंग्विशिंग मीन्स सफलता पाने में असफल हो जाना तो नेग्रो अभी भी नहीं अमेरिकन सोसाइटी के कोने में सफलता पाने में असफल हो रहा है एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्सिल इन हिज ओन लैंड और अपने ही भूमि में नहीं अपने आप को वनवास में पाता है एक्सिल में पाता है सो वी हैव कम हियर टुडे इसीलिए हम लोग यहां आए हैं टू ड्रामेटाइज एंड अपेलिंग कंडीशन नहीं अपेलिंग का मतलब होता है वेरी बैड कंडीशन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन जिसको कहते हैं तो बहुत ही एक्सट्रीमली बैड कंडीशन को ड्रामाटाइज करने के लिए नहीं चारित्रिक रूप देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं इट इज ऑब्वियस टुडे यह आज स्पष्ट है दैट कि अमेरिका has defaulted on the this promissory note कि अमेरिका ने इस वचन नहीं पत्र यह वचन पत्र को में डिफॉल्ट किया है नहीं डिफॉल्ट किया है मतलब डिफॉल्टर के रूप में है वह भुगतान न करने किया है इन सो फार है जहां तक हर सिटीजंस ऑफ कलर आर कंसर्न और जहां तक नागरिकों के रंग का सवाल है इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation और इस पवित्र कर्तव्य को का सम्मान करने के बदले में अमेरिका
has given the negro people a bad check. अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक बैड चेक दे दिया है, which has come back mark, जिस पर नहीं, which has come back mark, जिस पर अंकित करके लौटा दिया है, insufficient fund, नहीं, जिसमें insufficient fund को अंकित करके लौटा दिया है. But we refuse to believe, लेकिन हम लोग विश्वास करने से इंकार करते हैं, that the bank of justice is bankrupt, कि न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया है. We refuse to believe, अब हम लोग विश्वास करने से इंकार करते हैं, that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of the nation. हम लोग विश्वास करने से इंकार करते हैं कि राष्ट्र के नहीं, राष्ट्र के इस विशाल अवसर में अपर्याप्त नहीं राशि है. इसीलिए we have come to cash this check. हम लोग यहाँ इस चेक को नगद करने आए हैं. A check, एक ऐसा चेक that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. नहीं, एक ऐसा चेक जो मांग करता है riches of freedom, आजादी की समृद्धता का, and security of justice, और न्याय की सुरक्षा की मांग करेगा. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. और हम लोग यहाँ this hallowed spot, इस खाली जगह पर आए हैं अमेरिका को याद दिलाने के लिए, of the fierce urgency of now, जो अभी की अत्यावश्यक नहीं तीव्र जरूरत है, जो अत्यावश्यक जरूरत है. urgency means बहुत ही अत्यावश्यक जो है वो, और fierce का मतलब उग्र तीव्र जरूरत है. दिस इज नो टाइम, यह अभी समय नहीं है, टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, नहीं, यह समय नहीं है नहीं शांति से आराम के साथ अपने आप को एंगेज व्यस्त करने का, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या कर्मिकता के उस संतुलनवाद को लेने का. नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, अब यह समय है अंधेरा से उठने का, एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और यह समय है अंधेरे से उठने का, और अंधेरे और डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, और यह रंग भेद के सुनसान घाटी से उठ करके, और रेशियल जस्टिस जातीय न्याय के उस प्रकाश बिंदु, सूर्य प्रकाश के बिंदु की ओर जाने का समय. नाउ अब इज द टाइम, यह समय है टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने देश को अपने राष्ट्र को उठाने का, फ्रॉम द क्विक सेंस ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ब्रदरहुड, नहीं अपने राष्ट्र को उठाने का समय है, नहीं रेशियल इनजस्टिस के टीले से, अर्थात जातीय अन्याय के टीले से, और भाईचारा के ठोस नहीं चट्टान की ओर उठाने का समय. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the negro. It would be fatal, यह खतरनाक होगा राष्ट्र के लिए, to overlook the urgency, यह अत्यावश्यक अति आवश्यकताओं का नजरअंदाज करना इस क्षण, एंड टू अंडरएस्टिमेट द नेग्रो डिटरमिनेशन ऑफ नेग्रो, और नेग्रो के दृढ़ निश्चितता का आकलन करना. दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोस लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी. This sweltering summer of the Negroes legitimate. This sweltering summer, यह तपती हुई गर्मी, इसकी नेग्रो के कानूनी या उचित असंतुष्टता का वह समाप्त नहीं होगा जब तक कि नहीं फ्रीडम की आजादी और समानता के एक स्फूर्तिदायक ऑटम पतझर नहीं रहेगा. नहीं यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि नेग्रो की जो लेजिटिमेट डिसकंटेंट है
वह समाप्त नहीं होगा जब तक कि उनके अंदर में फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं आ जाता है। 1963 is not an end. 1963 एक अंत नहीं है, but a beginning, लेकिन एक शुरुआत है। Those who hope, वे लोग जो आशा करते हैं, that the Negro needed to blow off steam, वे लोग जो ऐसा आशा करते हैं कि नेग्रो को वाष्प की तरह नहीं, वाष्प की तरह उखार फेंकने की आवश्यकता थी, and will now be content, अब वे संतुष्ट होंगे, will have a rude awakening, नहीं, एक कठोर जागृति होगा, if the nation returns to business as usual, अगर राष्ट्र जो है वह प्राय की तरह अपने बिजनेस पर लौटता है। नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, और नेग्रो लोग अपने नागरिक अधिकार को प्राप्त करेंगे। द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवोल्ट, नहीं, और विद्रोह की चक्रवात विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, टू सीक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के नींव को हिलाता रहेगा, अंटिल उस समय तक द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, उस समय तक जब तक ब्राइट डे ऑफ जस्टिस, न्याय का वह उज्जवल दिन नहीं प्रकट नहीं होता है, नहीं, यहाँ पर कहा कि जब तक न्याय नहीं आता है तब तक यह विद्रोह की जो हवा है वह राष्ट्र के फाउंडेशन को हिलाता रहेगा। बट देर इज समथिंग, लेकिन कुछ है, दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, नहीं, मुझे अपने लोगों को अवश्य बताना चाहिए, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो नहीं हार्दिक दहलीज पर खड़े हैं, नहीं द्वार पर खड़े हैं, विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जहां से जो न्याय के महल में ले जाएगा, ले जाता है, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, और हमारे नहीं राइटफुल प्लेस मीन्स सही जगह को प्राप्त करने के इस प्रक्रिया में, we must not be guilty of wrongful deeds, हम लोगों को गलत कार्यों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए, let us not seek to satisfy our thirst, और हम लोग को अपनी नहीं for freedom, आजादी के लिए अपनी जो भूख है उसे संतृप्त नहीं करने चाहिए, by drinking from the cup of bitterness and hatred, नहीं नहीं घृणा और तिरस्कार के के कप को, नहीं घृणा और तिरस्कार को लेकर के, को पी करके, और नहीं फ्रीडम के उस थ्रस्ट को सेटिस्फाई करना नहीं चाहिए, न करें। सिक्स नंबर देखिए, वी मस्ट फॉरएवर, और हम लोगों को सदा कंडक्ट आवर स्ट्रगल, नहीं अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए, संचालित करना चाहिए, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, नहीं मर्यादा या प्रतिष्ठा और अनुशासन के उस उच्च स्तर पर अपने स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए। We must not allow, और हम लोगों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, our creative protest, अपने रचनात्मक बचाव to degenerate into physical violence, नहीं शारीरिक अहिंसा हिंसा को degenerate करने का, नहीं फिर से नहीं कम करने का, के जो हमारे creative protest है उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, और हम लोगों को नहीं बार बार हम लोगों को राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स मीन्स उस शानदार ऊंचाई तक बढ़ना चाहिए जहां पर क्या मिलेगा, मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, जहां पर नहीं शारीरिक शक्ति के साथ साथ चोल आत्मा की शक्ति की प्राप्ति के उस शानदार हाइट तक पहुंचने चाहिए, नहीं राइज करने से उठाने चाहिए। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी व्हिच हैज एंगल्फ द नेग्रो कम्युनिटी, और यह शानदार नहीं न्यू मिलिटेंसी, नए जो आक्रमकता है जिसने नेग्रो कम्युनिटी को घेर लिया है, एंगल्फ कर लिया है, मस्ट नॉट lead us to distrust all white people, और अवश्य नहीं सभी गोरे लोगों के अविश्वास नहीं इस अविश्वास प्राप्त करने के लिए हम लोगों को नहीं राह नहीं दिखाने चाहिए, for many of our white people, क्योंकि नहीं हमारे गोरे लोगों में अनेक, for many of our white brothers, और गोरे भाई बहनों में अनेक,
एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस, और जैसा कि अपनी उपस्थिति द्वारा गवा दिया ही टू रि आज यहां हैव कम टू रियलाइज, अनुभव करने के लिए आया है दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनका भाग्य हमारे भाग्य के साथ बंधा हुआ है, एंड देयर फ्रीडम और उनकी आजादी inextricably का मतलब क्लोजली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी आजादी हमारी आजादी के साथ नजदीकी से बंधा हुआ है. वी कैन नॉट वॉक अलोन, और हम लोग अकेले नहीं चल सकते. यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का. फर्स्ट क्वेश्चन है द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द शाइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. गलत हो गया, नहीं पढ़े है ना, तो यह फॉल्स हो गया कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के शाइनिंग के द्वारा जो नेग्रो पॉपुलेशन की आशाएं थी वह फुलफिल कर लिया गया था, नहीं. सेकेंड है द कंडीशन ऑफ नेग्रो वॉज अपेलिंग, बिल्कुल एक्सट्रीमली बैड था, इसीलिए ट्रू है. द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक्रप्ट, बिल्कुल सही है. द ऑथर प्रीफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अंतर है, उसको प्रेफर करता है, उसको बेहद पसंद करता है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा. द नेशन कुड ओवरलुक नेग्रोज प्रॉब्लम, यस, नहीं, ओवरलुक कर सका है. द नेग्रोज ऑफ अमेरिकन हैड सिटीजन टाइप, नहीं था, तो यह फॉल्स है, ठीक है. द ऑथर हेट्स द व्हाइट पीपल, नहीं, ठीक है, यह भी फॉल्स है, वह व्हाइट पीपल से नहीं कर. ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट, यस, ट्रू, नहीं. चलिए सेवन से आ जाते हैं हम लोग. एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी मेक द प्लेस, हम लोग संकल्प करते हैं दैट वी शैल ऑलवेज मार्च है, हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे. वी कैनोट टर्न बैक, हम लोग वापस नहीं हो सकते हैं. देर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, नहीं, और वे लोग जो नागरिक अधिकार के डिवोटीज का मतलब फॉलोवर्स, अनुयायी, समर्थक, नहीं, समर्थन मांग रहे हैं. When will you be satisfied? आप कब संतुष्ट होंगे? We can never be satisfied, और हम लोग कभी नहीं संतुष्ट होंगे. As long as our bodies, जब तक हमारे शरीर हैवी विद फटिक ऑफ ट्रेवल, नहीं, यात्रा के थकावट से भर जाए. Cannot gain lodging in the motels of highways, और जब तक उच्च पथ के, नहीं, मोटलों में रहने को प्राप्त नहीं कर सकता है. एंड द होटल्स इन द सिटीज ऑफ द सिटीज, और सिटीज के होटल में, नहीं, यहाँ कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग कि हम लोग उस समय तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि हम लोगों को, नहीं, उच्च पथ के मोटलों में रहने की और सिटीज के होटलों में रहने की आजादी न मिले, नहीं, वह ग्रहण न कर पाए. We cannot be satisfied as long as, और हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक the Negro's basic mobility, नहीं, नेग्रो की जो आधारभूत गतिशीलता है, is from a small ghetto to a larger one, नहीं, एक छोटे से बस्ती से, ghetto का मतलब बस्ती होता है, ठीक है, एक छोटे से बस्ती से बड़े बस्ती में बन नहीं जाता है, नहीं, जब तक एक नेग्रो जाति का जो गेटो है वह स्मॉलर से बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, और हम लोग कभी नहीं संतुष्ट हो सकते हैं. एज लॉन्ग एज, जब तक अ नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, जब तक मिसिसिपी में कोई भी नेग्रो वोट नहीं दे सकता है. एंड अ नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स, और न्यूयॉर्क का कोई भी नेग्रो विश्वास करता है, ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, नहीं, उनके पास वोट देने के लिए कुछ नहीं. नो, नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं है. एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे अनटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइटीजियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम. उस समय तक हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक एक शक्तिशाली झरने की तरह पानी और, नहीं,
अधिकार रोल डाउन नहीं हो जाता है, मतलब नीचे उतर नहीं जाता है, नहीं उस समय तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इट आई एम नॉट अनमाइंडफुल, नहीं मैं बेपरवाह नहीं हूं, नहीं यहां पर अनजान नहीं हूं। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर, आप लोगों में से कुछ यहां आए हैं आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, नहीं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है उत्तेजना और परेशानी। आप लोगों में से कुछ यहां नहीं उत्तेजना और परेशानियों से आए हैं। सम ऑफ यू, आप लोगों में से कुछ हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, नहीं आप लोगों में से कुछ उस संकीर्ण कमरों से आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम हियर, कम फ्रॉम एरियाज, और आप लोगों में से कुछ उस क्षेत्र से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड, नहीं जहां पर आजादी के लिए आपकी खोज आपको बैटर्ड बैटर्ड कर देती है। बैटर्ड बैटर्ड का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त, ठीक है, क्षतिग्रस्त छोड़ देती है। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ पर्सिक्यूशन, इसके आंधी से, तो पर्सिक्यूशन, देखिए पर्सिक्यूशन ध्यान रखिएगा, दो वर्ड मैं आपको बताता हूं, पर्सिक्यूशन मीन्स अत्याचार या उत्पीड़न, और एक वर्ड होता है प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोग या अभियोग पत्र, अभियोग पक्ष, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि किसके आंधी से, तो अत्याचार के आंधी से। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटलिटी, और पुलिस की क्रूरता के नहीं विंड से तेज रफ्तार से आपको स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? लरखरा दिया है, नहीं। यू हैव बीन द वेटरन्स, आप अनुभवी रहे हैं ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, रचनात्मक नहीं पीड़ा का आप अनुभवी रहे हैं। कंटिन्यू टू वर्क, काम करते रहो विद द फेथ, विश्वास के साथ, दैट अनअर्नड सफरिंग, अनर्जित नहीं बिना अर्जित किए हुए जो पीड़ा है, इज ए रिडेम्प्टिव, वह मुक्ति प्रद हो, नहीं वह मुक्ति दिया देने वाला हो। नाइन नंबर, गो टू मिसिसिपी, मिसिसिपी जाओ, गो टू अलबामा, अलबामा जाओ, गो टू जॉर्जिया, जॉर्जिया जाओ, गो टू लुसियाना, लुसियाना जाओ, गो टू द, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोस ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, और हमारे उत्तरी शहरों के गंदी बस्ती नहीं गंदी बस्ती और छोटे झोपड़ियों में वापस जाओ, लौटो, नोइंग दैट, जानते हुए कि somehow इसी तरह से दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, यह सिचुएशन बदल सकती है या बदलेगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पियर, नहीं और हम लोगों को नहीं डिस्पियर मिस निराशा के उस घाटी में नहीं मौज नहीं मनाना है, वैलो नहीं करना है। वैलो का मतलब इंजॉय करना, ठीक है, इंजॉय नहीं करना है। आई से टू यू टुडे, मैं आपको आज कहता हूं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, इस पल के कठिनाइयां और तनाव के बावजूद, आई स्टिल हैव फ्रीडम ड्रीम, मुझे अभी भी मैं सपना देखता हूं। इट इज अ ड्रीम, यह एक सपना है, डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो गहरे रूप से अमेरिका के ड्रीम नहीं अमेरिकन ड्रीम में, अमेरिकन के सपनों में गहरा हुआ है, नहीं गहरे रूप से जरा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, मैं सपने देखता हूं, दैट वन डे, एक दिन, दिस नेशन, यह राष्ट्र, विल राइज अप, बढ़ेगा, एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसके जाति के, इसके लिंग के नहीं ट्रू मीनिंग में सच्चे अर्थ को देगा। We hold these truths, और हम लोग इन सच्चाइयों को रखते हैं, to be self-evidence, अपने आत्म गवाह होने के लिए, that all men are created equal, कि सभी लोग नहीं सभी व्यक्ति को समान रूप से बनाया जाता है।
आई हैव अ ड्रीम, मैं सपने देखता हूं, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर एक दिन, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। और मैं सपने देखता हूं कि एक दिन जॉर्जिया के रेड हिल्स पर पहले के गुलाम के बेटे और उनके गुलाम के मालिक के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन, एक साथ बैठ सकेंगे भाईचारे के टेबल पर। आई हैव अ ड्रीम, मैं सपने देखता हूं, दैट वन डे एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, यहां तक कि मिसिसिपी प्रांत में, अ डेजर्ट स्टेट, एक सुनसान प्रांत, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जहां पर अन्याय और विद्रोह के हीट गर्माहट से तप रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू, बदल जाएगा एंड ऑसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, नहीं, आजादी और न्याय के उस मरुधान में बदल जाएगा। I have a dream, और मुझे एक, मैं एक सपना देखता हूं, that my four children, कि मेरे चार बच्चे will one day, एक दिन, live in a nation, एक राष्ट्र में रहेंगे, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character, जहां पर वे लोग उनके रंग, उनके स्किन के रंग से न्याय नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनकी वास्तविक चरित्र के नहीं विवरण से किया जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टूडे, और आज मैं एक सपना देखता हूँ। आई हैव अ ड्रीम, मैं सपना देखता हूँ, दैट वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा राज्य, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, नहीं, और मैं सपने देखता हूं कि एक दिन अलबामा प्रांत, जिसके गवर्नर स्लीप, गवर्नर स्लीप का मतलब शासन करने वाले का जो वॉइस है, आवाज है, वह वर्तमान में इंटरपोजिशन मींस निष्प्रभाव, नहीं, और नलिफिकेशन का मतलब क्या होता है, निरस्तीकरण, ठीक है, तो यह निरस्तीकरण और निष्प्रभाव के शब्दों से भरा हुआ है, will be transformed, बदल जाएगा, into a situation, एक ऐसी स्थिति में, where little black boys and black girls, जहां पर छोटे-छोटे काले लड़के और काली लड़कियां will be able to join hands, नहीं, हाथ में हाथ डाल सकेंगे, join hands कर सकेंगे, with little white boys and white girls, किसके साथ, तो छोटे-छोटे गोरे लड़के और गोरी लड़कियों के साथ, and walk together as sisters and brothers, और भाई, बहन और भाई की तरह एक साथ चलेंगे। I have a dream today, और आज मैं सपना देखता हूँ। I have a dream, मैं एक सपना देखता हूँ, that one day, एक दिन, every valley shall be exalted, प्रत्येक घाटी, नहीं, वैली जो है, वह घाटी जो है, वह एग्जॉल्टेड हो जाएगा, एग्जॉल्टेड का मतलब प्रशंसा किया जाएगा, प्रेज हो जाएगा, ठीक है, यह इसका प्रेज हो जाएगा, एवरी हिल एंड माउंटेन, प्रत्येक पहाड़ी, छोटी पहाड़ी और पहाड़, शैल बी मेड लो, निम्न हो जाएंगे, द रफ प्लेसेस और खुरदरे रफ्तार विल बी मेड प्लेन, समतल हो जाएंगे, एंड द क्रूक्ड प्लेसेस और टेढ़े मेढ़े जगह विल बी स्ट्रेट, सीधे हो जाएंगे, एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड और भगवान का सम्मान, भगवान की इच्छा, नहीं, प्रतिष्ठा, यस, शैल बी रिवील, प्रकट होगा, एंड ऑल फ्लेश, और सभी लोग शैल सी इट टुगेदर, एक साथ देखेंगे। This is our hope, ये हमारी आशा है। This is the faith, और यह विश्वास है, which, with which I return to the south, नहीं, जिसके साथ मैं, नहीं, south में लौटा। With this faith, और इस विश्वास के साथ, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope, और इस विश्वास के साथ हम लोग, नहीं, आशा के इस स्टोन को, नहीं, एक
स्टोन जो डिस्पेयर माउंटेन ऑफ डिस्पेयर है, जो निराशा के माउंटेन है, उसको बना सकेंगे। विद दिस फेथ और इस विश्वास के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम लोग बना लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, रूपांतरित कर लेंगे द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। नहीं, हम लोग इस विश्वास के साथ हम लोग नहीं, यह जो राष्ट्र का नहीं, यह जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है, मींस खनकता हुआ यह जो डिस्कॉर्ड नहीं, यह जो झगड़े हैं, उसको हम लोग भाईचारे के एक सुंदर स्वर में नहीं रूपांतरित कर लेंगे। सिम्फनी, सिम्फनी है किम, किम मींस सेम, ठीक है, और फोनी, फोन मींस साउंड होता है, ठीक है, तो सेम साउंड, तो यह समान साउंड में नहीं, एक सुंदर स्वर में, समान स्वर में इसे हम लोग बना लेंगे। With this faith, इस विश्वास के साथ, we will be able to work together, हम लोग एक साथ काम करेंगे, to pray together, एक साथ प्रार्थना करेंगे, to struggle together, एक साथ संघर्ष करेंगे, to go to jail together, एक साथ जेल जाएंगे, to stand up for freedom together, और आजादी के लिए एक साथ खड़े होंगे, knowing that, जानते हुए कि we will be free one day, हम लोग एक दिन स्वतंत्र होंगे। 20. This will be the day, और वह दिन होगा, when all of God's children, जब भगवान के सभी बच्चे will be able to sing, गाएंगे with a new meaning, एक नए अर्थ के साथ गाएंगे, my country, this of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, नहीं, इस तरह के गाने गाएंगे कि हमारा यह जो नहीं लैंड है या यह आजादी के, आजादी का एक लैंड है, और सब लोग इस तरह के गाने गाएंगे, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, और एक ऐसी भूमि जहां मेरे पूर्वज लोग मर गए, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और ये ऐसी भूमि जो तीर्थयात्रियों के नहीं, यह प्राइड गर्व की भूमि है, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और प्रत्येक माउंटेन की ओर लेट फ्रीडम रिंग, नहीं, एक आजादी का बांध बनाया बनेगा, नहीं यह बने, एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, यह अवश्य सत्य होना चाहिए, सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करें, हम लोग न्यू हैम्पशायर के जो प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, अति विशाल नहीं, यह हिल टॉप, पहाड़ी, पहाड़ी से एक फ्रीडम का रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग, और एक आजादी की रिंग बांध बनाए, फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स, शक्तिशाली माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के शक्तिशाली माउंटेन से नहीं, एक फ्रीडम का रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग नहीं, फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगेनीज ऑफ पेनिनसिल्वेनिया, और हम लोग पेनिनसिल्वेनिया के नहीं, ऊंचाई वाले एलेगेनीज से एक आजादी का रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, नहीं, और कोलोराडो के उस हिम नहीं, स्नो कैप्ड का मतलब क्या होता है, जो हिम आवृत है, हिम से नहीं बना हुआ रॉकीज है, चट्टान है, उस पर फ्रीडम का रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के उस गोल मटोल शिखर से आजादी का रिंग बनाए, बट नॉट ओनली दैट, लेकिन वह केवल वही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, और जॉर्जिया के उस स्टोन माउंटेन से फ्रीडम का रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और टेनेसी के उस लुकआउट माउंटेन से भी फ्रीडम रिंग बनाए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, और मिसिसिपी के प्रत्येक पहाड़ी या प्रत्येक छोटी पहाड़ियों से फ्रीडम रिंग बनाए,
फॉर एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और प्रत्येक माउंटेन से भी हम लोग, माउंटेन के बगल से भी हम लोग फ्रीडम का रिंग बनाए. व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, और जब हम लोग यह फ्रीडम रिंग बनाते बनाएंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग, और जब हम लोग यह रिंग बनाए, फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक कस्बों से, हैमलेट से, हैमलेट का मतलब ए वेरी स्मॉल विलेज, ठीक है, तो प्रत्येक विलेज से, फ्रॉम एवरी स्टेट और प्रत्येक प्रांत से, एंड एवरी सिटी और प्रत्येक शहर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, और हम लोग उस दिन को नहीं स्पीड अप तेज बना सकेंगे. व्हेन जब ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब भगवान के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, नहीं कौन कौन, तो काले लोग और गोरे लोग, ज्यूज एंड जेंटल्स, देखिए ज्यूज जेंटल्स प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, यह सब सब डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी का, नहीं क्रिश्चियन धर्म का, तो यह सभी ज्यूज जेंटल्स प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स ब्लैक मैन और व्हाइट मैन विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ नहीं हाथ मिलाएंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और पहले नहीं प्राचीन नेग्रो के आध्यात्मिक के शब्दों में गाना गाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, और गाना गाएंगे और धन्यवाद देंगे भगवान को, इस शक्तिशाली गॉड को धन्यवाद देंगे कि अंत में हम लोग स्वतंत्र हो गए. नहीं तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही अच्छी चैप्टर है, और इसमें आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम शब्द आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा ड्रीम जो वर्ड है या वर्ब भी है, वर्ब का मतलब क्या होता है, सपना देखना, और इसको नाउन बनाइएगा तो हैव अ ड्रीम होता है, या टेक अ ड्रीम या नाउन, ठीक है, ड्रीम का वर्ब जो चलता है वह ड्रीम, dreamed, dream, dreamed, dreamt, या थर्ड में dreamed, dreamt, दोनों नहीं, या ईडी वाला हम लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज करता है और टी वाला हम लोग करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे. चलिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में एक चीज दिया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज जो यहाँ पर दिया है, यह लैंग्वेज प्रोज और वर्स, मीन्स प्रोज और पोएट्री के रूप में, इस प्रोज में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट होता है, स्पोकन होता है, स्पोकन में स्पीच होता है, नहीं डिबेट होता है, आर्गुमेंट होता है, शर्मन, शर्मन का मतलब उपदेश होता है, आर्गुमेंट तर्क है, डिबेट है, वाद विवाद है, स्पीच है, भाषण है. रिटन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है, इससे है, लेटर है, बायोग्राफी है, नहीं और ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है या आत्मकथा है. तो यह आप ध्यान रखिए कि लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में प्रोज और पोएट्री है, तो प्रोज में इतने सारे सेक्शन होते हैं, प्रोज में रिटन भी होता है, स्पोकन भी होता है, नहीं जबकि आपको वर्स में हम लोग आप पढ़ाए थे, हमने आपको पढ़ाया था कि यह जो वर्स होता है वह वर्स बलाड हो सकता है, सोनेट हो सकता है, शटायर हो सकता है, नहीं यह सब अलग अलग हमने आपको बताया था, तो मॉक हीरोइक हो सकता है, नहीं तो इस तरह के हीरोइक हो सकता है, नहीं तो यह वर्स में. और प्रोज में देखिए मेनली इस पर फोकस किया है कि लैंग्वेज में जब प्रोज आता है तो प्रोज में दो भाग होते हैं, रिटन और स्पोकन दोनों हो सकता है, स्पोकन में स्पीच, डिबेट, आर्गुमेंट और सरमन हो सकता है, और रिटन में ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, एसे, लेटर, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, ठीक है. तो आज का क्लास आपका समाप्त हो गया है. नहीं एक दिसंबर से, ठीक है, फर्स्ट दिसंबर से ऑफलाइन क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं फर्स्ट दिसंबर से, और सेकेंड नवंबर से क्रैश कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स, ठीक है, बहुत ही कम फीस रखा गया है, 599 रुपीज, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और ज्वाइन करके आप क्रैश कोर्स का आनंद ले सकते हैं। अब नहीं तो कब करेंगे आप? नहीं, अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो अब कब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन निश्चित रूप से फरवरी या फरवरी के लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से, और जहां तक मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं, आपकी सहायता कर रहा हूं, नहीं थोड़ी सी आपको भी सहायता करनी है कि आप भी जो भी आप देखते हैं उसे आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे और ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।